नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कर्तव्य पथ पर मोदी। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले में स्थित वडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदरदास की स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान थी, जिसमें वो भी अपने पिता की मदद के लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने बचपन से लेकर पीएम बनने तक बहुत संघर्ष देखा है। आइए जानते हैं उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो गए हैं। गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाले बालक के हाथ में कभी देश की बागडोर होगी, इसका किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं रहा होगा। परंतु नरेंद्र मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनकर मोदी ये संदेश देने में सफल रहे कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और जुनून के आगे कोई भी चीज असंभव नहीं होती। उन्होंने आम जन के सपनों को उड़ान भी दी। खास बात है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उन्होंने एक अदना सा चुनाव भी नहीं लड़ा था। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन स्तर का कामकाज देखने के दौरान ही उन्हें पार्टी और संघ की ओर से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ था। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साल 2001 से 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी सीएम से पीएम तक कर्तव्य पथ पर सवार होकर कैसे पहुंचे? मोदी ईश्वर ना नामे सौगंध लऊ छू, ईश्वर ना नामे सौगंध लऊ छू के कायदा थी स्थापित भारत ना, के कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये, संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश, हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु, हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु समर्थन करीश, समर्थन करीश। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भी जीते। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बने। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम का पद संभाला। मोदी लगातार 12.5 साल सीएम पद पर रहे। 26 मई 2014 को मोदी 14वें प्रधानमंत्री बने। 2019 में मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नरेंद्र मोदी ने 2014 में अच्छे दिन के वायदे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। मोदी को एक मजबूत और लोकप्रिय नेता माना जा रहा है। ऐसी छवि बनी है कि वो कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं और नई लीक बनाने की भी कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 370 का खात्मा सरकार ने ऐसे ही किया तो आतंकवाद पर भी नकेल कसने का काम सरकार ने किया। ऐसे में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में ये रिपोर्ट देखें।
जो 70 साल में नहीं हो पाया वो मोदी ने कर दिखाया। अपने कार्यकाल में मोदी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देश में मोदी सरकार ने कई बड़े कारनामे किए, लेकिन मोदी सरकार के जिस कारनामे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर 5 अगस्त 2019 की तारीख को इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया गया। मोदी सरकार यहीं तक नहीं रुकी, गतिरोध को दूर करने और जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को पटरी पर लाने के लिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसकी पूरे देश ने सराहना की। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से किया आजाद। आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। सबके आराध्य भगवान श्री राम को भी शायद नरेंद्र मोदी का ही इंतजार था। भगवान राम की जन्मभूमि में उनके जन्म को साबित करने के लिए देश की आजादी के पहले से चले आ रहा विवाद आखिरकार मोदी राज में सुलझ ही गया। राम मंदिर के फैसले ने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि में शामिल हो गया। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से राहत। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक को पूरी तरह से बैन करने और इसे अपराध घोषित करने हेतु मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं काफी लंबे समय से आवाज उठा रही थीं। इस दौरान कांग्रेस से लेकर जनता दल, तीसरा मोर्चा और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार रही। प्रगतिशील माने जाने वाले लेफ्ट के समर्थन की सरकारें भी सत्ता में रही। बावजूद इसके 3 तलाक के खिलाफ किसी भी सरकार ने कानून बनाने का साहस नहीं दिखाया। यही वजह है कि मोदी सरकार की उपलब्धि ऐतिहासिक है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को
सुरक्षा का विश्वास दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि, छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना काफी मददगार साबित हुई है। इस योजना का लाभ उन किसानों को हुआ जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। इस योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को हर साल 6,000 रूपए दे रही है, जो 4 महीने में 2,000 रूपए की किस्त के रूप में दिए जाते हैं। सरकार की ओर से सीधे किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचाया जाता है। इससे किसानों को काफी आर्थिक मदद मिली। भाई और बहनों, आज का दिन 24 फरवरी मेरे जीवन का विशेष दिन है, क्योंकि आज ही पीएम किसान सम्मान निधि को 3 साल पूरे हुए हैं। जब 2019 में हमने ये योजना शुरू की थी तो कई लोग अफवाहें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाव के पहले मोदी लाया है, एक बार चुनाव हो जाएगा फिर मोदी बंद कर देगा। और कुछ हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो तो दिन रात इसको चला भी रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मोदी की इन्हीं उपलब्धियों के बारे में आपने जाना है, और एक और ऐसी उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नाम है। भारत जैसा एक बड़ी आबादी वाला देश में कोरोना वायरस नाम का ये विषाणु बेहद घातक साबित होने वाला था। इस आपदा के दौरान देश के कमांडर इन चीफ थे नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में मोदी सरकार ने लॉकडाउन, फ्री राशन और टीकाकरण से लेकर कई ऐसे सैकड़ों असरदार फैसले लिए जो महामारी के दौरान देश के लिए बेहद हितकारी साबित हुए। पेश एक रिपोर्ट।